अच्छा राम, मैं चलूं। बस कृपाल जल्दी है। हाँ भाई, मैं जाऊंगा तो प्रेम को भेजूंगा ना, और तुम्हें दिया हुआ वचन शादी पर ही पूरा होगा ना। इसे वचन न कहो, एहसान। दोस्ती के नाते तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, काश मैं भी तुम्हारे साथ कर सकता। अरे ये क्या, फिर वही डायरी का चक्कर? यही तो एक याद बाकी है उन हसीन घड़ियों की। लेकिन मेरे दोस्त, अगर किसी के हाथ लग गई तो यह खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करता हूं। कृपाल, जिंदगी ने मुझे दो ही तोहफे दिए, वे खामोश माजी और दूसरा मेरी लाडली बेटी विम्मी। ओ विम्मी, लुक, तुम्हारा रोमियो दरख्तों पर इश्तिहार लगाने लगा है। नाक में दम कर रखा है उस रोमियो ने। विमी बेचारी किताबें लेकर यहाँ पढ़ने आई थी, लेकिन अब तो कोई दरख्त ही नहीं बचा जहाँ दिल ना बना हो। अच्छा बाबा, अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है और इम्तिहान सर पर है। हाँ भाई, इस साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट का चांस कोई और ले गया। बाय बाय। हेलो। ओ, ये गेम आपने उछाला है? दिल के उछलने से ये भी उछल पड़ा बिमला देवी। दिल को खोल के तो दिखा नहीं सकता, लिहाजा इस कागजी गेंद को खोल के पढ़ लीजिएगा। दिल का हाल लफ्ज ब लफ्ज बयान किया है किसी ने। जवाब भी तलब किया है आपने? दिल की बेकरारी तो जवाब से ही ठंडी होगी। तो जरा नीचे तशरीफ लाइए ना। जरूर।
फरमाइए। शर्माई नहीं, शर्माई नहीं, दिल की बात कह डालिए, कह डालिए। ज़बान खुलने से इनकार करती है। कोई बात नहीं, हल्का सा एक इशारा भी काफी होगा। हाथ का इशारा ये लीजिए, सैंडल का इशारा इंतजार कर रहा है। कमाल है, आपके हाथ से ज़बान ज्यादा सख्त है। उम्मीद करती हूँ आइंदा ख्याल रखेंगे आप। वाह, मजा आ गया, लव लेटर का एक्सप्रेस जवाब। शट अप। इस चांटे के जवाब का लाजवाब जवाब सोच लो रोमियो। सोच लिया। क्या? कल सुबह घर आना, बताऊंगा। यार मुझे भूख लगी है, मैं घर से खा के नहीं आया। अबे ओ तिलक, अभी तक ना रहा है, निकल बाहर। गंदा कहीं का, आज खाना भी नसीब नहीं होगा। अबे खाना क्या, ये देख नाश्ता दो बार करने को मिल गया। नाश्ता? अभी जवाब नहीं देखेगा। कल वाले थप्पड़ का कहाँ है? ये क्या है? हिस्ट्री बुक। इसके अंदर क्या है? मरे हुए शहंशाह और लीडरों के नाम। मुलाजा फरमाइए। वो आ रही है, टक्कर के लिए तैयार हो। The patient must be confined to bed. Cases in which this is neglected develop complications. देख के चलिए ना। बुरा मत मानिए, बच्चा है। जी, ये आप, माफ कीजिएगा। एक ही थप्पड़ ने रास्ते लगा दिया। आप ठीक कहती हैं बहन जी, कल ये बहुत अफसोस कर रहा था अपनी हरकतों पर। अच्छा, सुना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। I have forgotten my history book. कोई मुझे अपनी हिस्ट्री किताब देगा? थैंक यू। वेलकम। एंड नाउ माई गुड क्लास, आज जो लेसन मैं तुम लोग को सुनाऊंगी बहुत ध्यान से सुनना है। अच्छा वो मिस विम्मी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पिछला रिकॉर्ड इतना अच्छा होने के बावजूद तुमने ये हरकत की। वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन प्रिंसिपल साहब, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे ये शरारतें बिल्कुल पसंद नहीं। अब की बार तो तुम्हें सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा, मगर अगली बार रस्टिकेट कर दूंगा। शेर के मूंछों से नहीं खेला करते। शेर काट भी लेता है। काट भी लेता है, इडियट। मजा आ गया, इसी झटके में मेरी वाली रेखा भी सीधी हो जाएगी। होगी, जरूर होगी, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। लेकिन अब टेढ़ी से निकलेगा। Hey, don't take off. देखा, ये सब टेढ़ी उंगली का प्रताप है। सत्यानाश जाए दंड पेलने वालों का, माटी में ही जोर दिखावत है। की लाज ना बचा सके, इतनी जोर का है काम का। अरे क्यों रोए जा रही है? कहे तो से कलयुग है कलयुग, वरना भगवान कृष्ण से दुहाई करती कि द्रौपदी की तरह हमारी भी लाज रख लो ना। लेकिन आजकल भगवान कृष्ण कहाँ? तो सही क्या बात है, हम मलाड से यहाँ कपड़ा लेकर आवत हैं और पीछे से कॉलेज के दो छोकरे पटपटिया पर आवत हैं और हम धनों को चेड़त है। हमार घर वाला हो ना तो चीर के रख दे यहाँ, चीर के। अरे चीर के रख दे, बता दो कौन है, कब आएंगे? वो आई देवा। खैर, आज मैं दोनों फटफटी वालों का सोना बना दूंगा। चलो सावधान। क्या बात है पहलवान जी, कौन हो तुम? रात चलती हुई अबला को छेड़ते हो
और पूछते हो कौन हो तुम? हम इनके रखवाले हैं। इतने सारे रखवाले? आप लोगों का किलो के हिसाब से क्या भाव है? गुड जॉब, गुड जॉब। अभी बताते हैं। तराजू लायो। बाजू उठा खटपट।
चंदन, मेरे दोस्त जिसने हमदन को लेकर बुलाया बुलबुल के वतन, इससे क्या हो गया? चंदन सुनिए 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 सुनिए, ओ चंदन ओ चंदन चंदन ओ ओ चंदन, क्या हो गया क्या हो गया? डॉक्टर डॉक्टर यहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा? देखिए देखिए गया 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 बेचारा बेचारा गया, आप इसे हॉस्पिटल लाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं जरा डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ओ ओ ये तो भाग रहा है, बन के लेटा हुआ था। Really funny. देखा, फिर धोखा, सिखाएंगे ने सबक। अरे देखा, ये गाड़ी तो पंक्चर है, अब क्या होगा? ओहो, दोनों टायर पंक्चर, मारे जाएंगे। शर्म से सर नीचा हो गया मेरा, हर जगह से शिकायत, हर चीज में। ओहो, तो क्या हुआ? तिलक की अभी उम्र ही, दूध पीता बच्चा है ना, और सर पर चढ़ाओ सर, देखो तमाशा। सेठ जी की लड़की से मजाक, प्रिंसिपल से मजाक, पढ़ाई लिखाई में जीरो और शरारत में अव्वल। मैं तो बुरा हूं ना जो ये सोचता हूं कि तिलक एक दिन पढ़ लिख कर मुझसे ज्यादा इज्जत पाए, लोग उसकी शिकायत नहीं तारीफें करें, मगर तुम बस बस ले दे के सब कुछ मुझ पर ही टूटता है। मैंने बिगाड़ा है ना, तुम सुधार लो, आए तो उसकी खाल उधेड़ लेना। तिलक भैया जी, कहाँ थे तुम? वो जी फिक्र में था पढ़ाई की, और गम में था एग्जाम पास होने। क्या जी? वो ब्रिटिश इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में एक दिन गुजर गया। पतलून कैसे फटी? ये वो चूहा है, इंग्लिश लाइब्रेरी के इंग्लिश चूहे ने कुतर दिया। या वो चूहा जो हिस्ट्री बुक में विमला देवी के हाथ पहुंच गया? आप जान गए भैया जी, वो जरा सी शरारत हो गई थी। भाभी भाभी, ये आप क्या कर रहे हैं? खानदान की नाक कटवाता है, कहता है जरा सी। देखिए मैं कह देती हूँ, खबरदार इस पर हाथ उठाया तो आटे में सीमेंट मिला दूंगी, सब्जी में साबुन घोल दूंगी, डॉक्टर के लिए टिफिन नहीं दूंगी। अरे भाभी, तेरी भी तो जुबान। भैया की लकड़ी रोक दीजिए, मेरी जुबान रुक जाएगी। चाय लाइए। भाभी की चाय। बदमाश, मगर ये सुन लो, आइंदा इसकी शिकायत आई तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तभी सुधरेगा जब सर पे पड़े। क्या बाश बेटे, राम भी मुझे कह रहा था जब तक नौजवानों की शिकायत ना आए तो समझ लो मैं बूढ़ा हो गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं अपनी क्लासरूम में गधे को ले गया था। डैडी, क्या वो आपका क्लास फेलो था? खामोश बदतमीज, मैं आठवीं में कॉलेज में पढ़ता था। रियली? हाँ। खूब शिक्षा दे रहे हैं ताकि ये और 10 साल फेल हो, आप तो इसका सत्यानाश करके छोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा था? डैडी, आप कह रहे थे कि आपका क्लास फेलो गधा था। खामोश, खबरदार जो कॉलेज में बदतमीजी की, मैं तुझे कोर्ट मार्शल करा दूंगा, वर्दी उतरवा के 200 कौड़े और 10 मील की दौड़, समझे? क्यों सावित्री, अब तो ठीक है? कमाल है डैडी, अभी तो आप मुझे शाबाशी दे रहे थे। उस वक्त मैं सोच नहीं रहा था, अब मैं सोच रहा हूँ। तुम बैठे किताब पढ़ो और मैं बंदूक साफ करता हूँ। उठो बेटी। मैं कहता हूँ उठो ना। नहीं उठते डैडी। ठीक है, मैं भूखा ही दफ्तर चला जाऊंगा। ओ डैडी, आप बड़े खराब हैं, खामखा डराते हैं। पर क्या करो बेटी, तेरे बिना तेरे बूढ़े डैडी के हालत से खाना पीना नहीं उतरता। आपने फिर अपने आप को बूढ़ा कहा। सॉरी सॉरी, डबल सॉरी। तैयार हो जा, एयरपोर्ट जाना है। कौन आ रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए ना। तुम बताओ ना। देखा के डैडी? तो मेरे लिए पहले से लाए हुए 2 कुत्ते। वो भी नहीं तो प्रेम। प्रेम? लेकिन वो क्यों आ रहा है? कमाल करती हो, ये उसका घर है, विलास से आ रहा, सुना है बड़ा होशियार हो गया। वो लंबू और होशियार।
Hi, Prem. How are you? Hello, Uncle. अरे, Uncle, आपकी तो मुझे वहाँ करती थी, हाँ? ये सक्सेना साहब है, ये डैडी है. Oh, oh, I'm sorry. Hello, how are you? लंदन में अकल के साथ याददाश्त भी छोड़कर आए हो क्या? बहुत दिनों के बाद आया ना, ऐसा होता है. प्रेम, ये हमारे मैनेजर मिस्टर सक्सेना. Hi. नमस्ते. Oh. आपकी कृपा है. तो मैं सामान रखवाता हूँ. जाले गुड, जाले गुड. चना. ओ, आ गई, आ गई. कौन? विम्मी. अरे विम्मी भी और मेरे माथे की रेखा भी. चना. आज शाम आप सब मेरे घर इनवाइटेड हैं. मेरे पुराने दोस्त लंदन से आए हैं और आप लोगों को लेटेस्ट स्क्वायर डांस सिखाएंगे. थैंक यू. हम लोग आने की कोशिश करेंगे. कितने बजे? माफ कीजिए, मैंने आप दोनों को दावत नहीं दी. ओ. और अगर हम दोनों आ गए तो जूतों से मरम्मत होगी. बाय एवरीबॉडी. बाय बाय. पार्टी में फोकट खाने का चांस गया. चांस कभी नहीं जाता. जरा पता तो करो वो बिलायती कबूतर कौन सा दाना खाता है. ओके, ड्राइवर हल्ला से पता चल जाएगा. चना. और जूतों में डन चना. गर्ल्स एंड बॉयज, आज मैं आपको अपने खास मित्र से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. Meet Mr. Prem. How do you do? Mr. Prem, London से आए हैं. और London में रहकर मैं modern art में expert बन गया. How interesting. Modern art, modern acting और हर modern चीज की training मैंने Royal Academy of Dramatic Arts London में हासिल की है. Oh. In short form, RADA. तुम्हें या किसने बुलाया? बिन बुलाए तेरी महफिल में चले आए हैं. हमें दावत की कोई जरूरत नहीं है बहन जी. हम तो अखंड मेहमान हैं और आपके लंदन से आए हुए भाई छेला का स्वागत करने आए हैं. थ्री चेयर्स फॉर भाई राडा. पिपी पिपी पिपी.
था ये छैला, जिसका दिल अंदर से मैला मैला, आशिक है आवारा पहला पहला, मजनू का नाकारा अंग्रेजी चेला। अरे आता जाता खाक नहीं है ढूंढे प्यारी लैला, अरे हाँ हाँ वो प्यारी लैला, पर हाँ वो प्यारी लैला। लंदन से आया हूँ बलबेला, जुल्फों से बाहों से मैं खेला, सारी दुनिया घूम के आया, कहाँ है मेरे प्यारे लैला, लैला मी। ओ डैडी। चलो पहले दूध पी लो, ज्यादा रात पड़ने से आंखें खराब हो जाती हैं, समझी? ओ डैडी, आपको कितना ख्याल है मेरा। पगली, अगर माँ बाप औलाद का ख्याल ना रखेंगे तो कौन रखेगा? मेरे तो माँ और बाप दोनों आप ही हैं डैडी। चलो दूध पी लो, चलो। मैं भी क्या तकदीर लाई, पैदा होते ही माँ को खो दिया। डैडी, माँ कैसी थी? वो बिल्कुल तेरी जैसी। आपको उनसे बहुत प्यार था ना? कितना दुख हुआ होगा आपको। डैडी, ये डॉक्टर भी बड़े निर्दयी होते हैं, माँ की एक भी तस्वीर न रखने दी आपको। मुझसे उसकी कोई चीज देखी नहीं जाती थी, उसकी मौत के बाद सिवाय तुम्हारे हर चीज न जाने क्यों मुझे पागल सा बना देती थी। आज अगर माँ हमारे साथ होती बेटी, शायद उसकी कदर न होती। क्यों? इंसान जब कोई चीज हासिल कर लेता है तो उसकी कमी महसूस नहीं होती। साहब, आंटी जी और मेजर साहब आए हैं। अच्छे वक्त पर आ गए। मेरा मतलब है प्रेम से भी मिलेंगे और तुम चाय पी लेना। अरे चाय नहीं, दूध पी के जल्दी से आ जाना। आज क्या बात है, रात के 1:30 बजे तुम मेरे लिए दूध ला रही हो? कुछ नहीं, तिलक पढ़ाई कर रहा है ना, कल से इम्तिहान शुरू है। ओ, उसकी खातिरदारी छुपाने के लिए मुझे मक्खन लगाया जा रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, कौन सा दिमाग का काम करते हैं? जी नहीं, हम तो दिमाग से नहीं पांव से काम करते हैं। वो दिमाग लड़ाता है जो इस साल भी भाई और भाई नाम रोशन करे। अब भाभी, अब और कितना पड़ेगा, सोएगा नहीं? भाभी, नेपोलियन 3 घंटे सोया करता था, मैं 3.5 घंटे सोकर उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। तुम सो जाओ भाभी। मैं सो जाऊंगी, तू दूध पी ले, तू पढ़ाई वाला है ना, दिमाग तर रहेगा। भाभी, पढ़ाई में दूध का ख्याल किसे रहता है। हेलो, ले। थैंक यू भाभी। काश साल भर इम्तिहान हुआ करे ताकि फ्री दूध मिलता रहे। चंदन, फिर भागने की कोशिश की? नहीं डैडी, मैं तो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा था ताकि मेरी आंखें खुल जाएं। खुल गई? चलो बैठो, कम ऑन। डैडी, एक बात पूछूं? पूछो। ये बताइए कि सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहते थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट इसलिए कि वो ग्रेट था। लेकिन वो ग्रेट क्यों था, आप भूल गए ना? जब आप पढ़ के भूल गए तो मेरे पढ़ने से क्या फायदा, मेरी छुट्टी। चंदन,
Don't bluff me. Come on, sit down and read. Come on. The offensive that was launched by the counter-revolutionary. मारे गए, इतनी पढ़ाई की, अगर मालूम होता फेले हो जाना है तो दो चार शरारतें और कर लेते। यार वो सब तो सच है, लेकिन अब अब तो खुदकशी करनी बाकी है। अच्छा करो सो अच्छा, बुरा करो सो बुरा। देखिए विमी पास होने की खुशी में प्रेम के साथ पहाड़ पे जा रही है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ फुटबॉल ग्राउंड पे ही चलिए। हम भी पहाड़ पे चलेंगे। घर तक तो जा नहीं सकते, पहाड़ पे कैसे जाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। डैडी को मेरा रोल नंबर मालूम नहीं, मैंने सुबह सुबह अखबार उनके सामने से गायब कर दिया था। मैं वो ड्रामा करूंगा और पहाड़ के दो टक टक मार लूंगा। डैडी गुड न्यूज, गुड न्यूज। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका निखटू बेटा चार चांद लगा के आया। तेरा रोल नंबर क्या है? जो आपको पसंद आ जाए। क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है ऊपर से छठवा। मैंने बड़े बड़े पढ़ाकुओं को छठे का दूध याद दिला दिया। शाबाश बेटे शाबाश, सुनती हो सावित्री, तुम्हारा चंदन पास हो गया है। सच? मुझे आशीर्वाद दी। जीते रहो बेटा, ये सब मेरी सख्ती का नतीजा है। डैडी अगर आपने मुझे पढ़ाई पे जोर ना दिया होता तो मैं बेजोरा पिट जाता। ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, मैंने बड़े बड़े गधों को ऑफिसर बना दिया है। अब मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी खराब सेहत को ठीक कर सकूं और पास होने की खुशी में किसी टूटे हुए हिल स्टेशन पर चला जाऊं। हाँ जाओ, कब जाओगे? कल ही चला जाता हूँ। दो टिकट मंगा दीजिए। दो टिकट? जहाँ चंदन वहाँ तिलक। क्या वो भी पास हो गया है? हम दोनों एक नंबर से पास हुए। अच्छा, उसे भी ले जाना। वाह वाह वाह, भगवान आप जैसा सीधा बाप सबको दे। वाह, माता जी आपको भी दे। थैंक यू। ओहो थैंक यू। ताकि मच्छर काट काट के मेरा शुद्ध खून पी जाएं। अरे यार तुझे मच्छरों का डर है और यहाँ फिक्र है उस मच्छर प्रेम को कैसे फ्लर्ट करूं ताकि वो चारों खाने चित गिरे। और विम्मी, ओह विम्मी मेरी बाहों में। साहब क्या? मेम साहब ने आपको खाने के मेज पर याद फरमाया। ठीक है ठीक है, देखा पत्थर आखिर मोम हो ही गया। आपको नहीं साहब, चंदन बाबू को। पत्थर मोम नहीं, मोमबत्ती हो गया बेटे। अमीर लोग अपने स्टैंडर्ड के आदमी को ही बुलाते हैं। तू दोस्त है और अकेले खाएगा? दोस्त दोस्त के लिए जान देता है। तू मेरे लिए आधा दिन भूखा नहीं रह सकता? ले मच्छर मार। मैं समझा नहीं विम्मी जी, आप कहना क्या चाहती है? हाँ विंस डार्लिंग, डियर फ्रेंड, साफ साफ कह दो ना। साफ साफ ना सही, मेला मेला ही कह दो। हाउ आर यू? प्लीज पास मी वाटर। तो बॉटनी पे किताब कौन लिखेगा? What? जाना तुम, जाना। Okay. Nice food. Good food. सुनो चंदन, प्रेम की बॉटनी से मैं तो बोर हो गई हूँ। यहाँ आना एक मुसीबत बन गया है। तो फिर आप यहाँ पे आई क्यों? डैडी की वजह से। और आपकी वजह से तिलक यहाँ पे आया? फिर तुमने तिलक का नाम लिया? तो और मैं क्या करूँ, वो 24 घंटे में 28 घंटे आपका नाम लेता है। मुझे उस शरारती से कोई मतलब नहीं। सुना, वो खूबसूरत है, जवान है, अकलमंद है, लेकिन लापरवाह है। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता,
खैर मैं जो कहती हूँ वो सुनो, तुम यहाँ हमारे साथ रह जाओ और उसे पार्सल करो। किसे? तिलक को। गुड चो, गुड चो, गुड। मगर वो तो तुम्हारा दोस्त है। मेरा क्या दोस्त है, मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है। मैं तो उसे वापस भेजने का बहाना ढूंढ रहा था, सब मिल गया। आप बैठिए, बैठिए, खाना खाइए, बैठिए। खाता हूँ, तुमने खा लिया? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। शुरू करिए। तो मैं शुरू करूँ? इतना खा के आया कि चला नहीं जा रहा। अरे गधे, मैं तो तेरे लिए छिप के आया हूँ। मुझे तो वहाँ कैद कर लिया था। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, मुर्गा। शाबाश, शाबाश। अब हूं ना मैं तेरा दोस्त? बता क्या बोली मेरे बारे में। तेरी हवा बहुत खराब है और प्रेम से वो तंग है। उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा है। मर गए क्या? मरा तो नहीं, मर जाएगा अगर मैंने दिमाग नहीं चलाया। मैंने क्या स्कीम सोची है जिससे प्रेम का पत्ता एकदम गुल। कल सुबह प्रेम और मैं घोड़ सवारी के लिए जा रहे हैं। मैंने खानसामे के जरिए ऐसा घोड़ा मंगवाया है जो अपने सवार का जानी दुश्मन है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की हड्डियां टूट चुकी हैं उस पर। और कल जब मैं प्रेम को सैर के लिए ले जाऊंगा और फिर विम्मी और मैं प्यार मोहब्बत की बात। अरे नहीं नहीं, मेरी एक और स्कीम है। विम्मी चाहती है कि मैं तुमको वापस भेज दूं। शाबाश, मैं क्यों जाऊं? तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। ड्रामे के सीन में मैं तुमको डांटूंगा, तुम मुझसे माफी मांगोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि प्रेम और विम्मी मुझ पे खुश हो जाएंगे और जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद। आइए आइए आइए, पधारिए। मुझे आपकी पतंग वापस आई। इस घोड़े का बाप क्वीन एलिजाबेथ का टांगा खेलता है और इसकी माँ चर्चिल के बाग में घास चरती है। नाश्ता करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। क्या मतलब? आई सेड वेरी गुड बॉस। चंदन, मेरे दोस्त चंदन। खबरदार, जो मुझे दोस्त कहा सगाबाज। गुड शॉट, गुड शॉट। मुझे तुम्हारी ये हरकतें देखकर अपने आप पे और अपने खानदान पे शर्म आती है। क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने इसे कह दिया है कि आज से इसका और मेरा रिश्ता आपस में कट है। जाने गुड, जाने गुड। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? दिन दहाड़े जवान लड़कियों को छेड़ते हो और प्रेम साहब जैसे अंग्रेज आदमी से बदतमीजी से पेश आते हो। रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। बिना किराए के मैं बंबई पैदल कैसे जाऊंगा? और अगर इतना लंबा रास्ता मैंने पैदल तय किया तो घिस घिस के दो फुट का रह जाऊंगा, दो फुट का रह जाऊंगा, दो फुट का रह जाऊंगा। भैया जी मुझे फिर से स्कूल में दाखिल कर देंगे। कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी, क्यों प्रेम साहब? बिल्कुल नहीं। जाओ। रहम करो, रहम करो। क्या मैं, क्या क्या मुझे आप फॉरगिव नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकता। जाओ यहां से, जाओ। विम्मी जी, विम्मी जी, विम्मी जी, आप तो माफ कर दीजिए। अच्छा अब जा रहा हूं तो एक बात कहता ही जाऊं, रास्ते भर आपको दिल के आईने में देखता रहूंगा और अगर रास्ते में मर गया तो बंबई पहुंचकर मेरी याद में दो आंसू बहा दीजिएगा और अपने कमरे में मेरी फोटो, कम से कम पोस्टकार्ड साइज फोटो लगाकर फूल अगरबत्ती चढ़ाते रहिएगा, वरना मेरी आत्मा आपको काबू में सताती रहेगी। नमस्ते, खुदा हाफिज। जाओ, जाओ, फौरन जाओ। गो, विन, गो। तुम से अच्छा कौन है? तुमने, तुमने पुकारा, हम चले आए। मैंने? किसने फिर याद किया, बेवफा लौट के आ। और फिर मैंने सोचा आ अब लौट चले। जाते हो या बुलाऊं खानसामा को? 10 रुपये दे के मैंने भेजा है उस पार। डियर? शराब नहीं, डियर कहो। मुझे तुमसे नफरत है। हो सकती है, हो सकती है, लेकिन प्यार भी हो सकता है। तुम जैसे लोफर के साथ कोई भी लड़की बात तक करना नहीं चाहती। विमी जी, लोफर भी आप ही ने बनाया। अच्छा भी बन सकता हूँ। इम्पॉसिबल। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ। दूर हटो। ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। रम बम 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 बम। संभल कर चलो जाना,
वरना गिर जाओगी। जवान मस्त है डगर जरा संभल के चलो, जवान मस्त है डगर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवान मस्त है डगर जरा संभल के चलो, जवान मस्त है डगर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवान मस्त है डगर जरा संभल के चलो। अजीब दुपट्टा कहीं है जरा बेहोश नहीं है, कदम है बहके हुए से ख्याल और कहीं है, अजीब दुपट्टा कहीं है जरा बेहोश नहीं है, कदम है बहके हुए से ख्याल और कहीं है, तुम्हारा ध्यान है किधर जरा संभल के चलो, तुम्हारा ध्यान है किधर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो। भागो हमसे हसीना जरा तो ठहरो हसीना, तुम्हारी राह पे हम है तुम्हारे साथ है जीना, न भागो हमसे हसीना जरा तो ठहरो हसीना, तुम्हारी राह पे हम है तुम्हारे साथ है जीना, ये तुम पे किसका है असर जरा संभल के चलो, ये तुम पे किसका है असर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो। हमारे बीच में देखो समाना आन पड़ा है, हमें तो पानी है मंजिल हुजूर तुमको पता है, हमारे बीच में देखो समाना आन पड़ा है, हमें तो पानी है मंजिल हुजूर तुमको पता है, ये पत्थरों का है नगर जरा संभल के चलो, ये पत्थरों का है नगर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो, संभल कर चलो जरा वरना गिर जाओगी। गिरना नहीं है। ये तो प्रेम का ही जिगर था जो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी सही सलामत हाथ पैर से पूरा रहा, वरना दूसरा कोई होता तो अब तक। हाँ बेटी, ये तो भगवान ने हाथ देकर रख लिया, वरना कृपाल को मैं जिंदगी भर मुंह दिखलाने के काबिल न रहता। नमस्ते सेठ जी, अब प्रेम जी की तबीयत कैसी है? आपके भाई की मेहरबानियां कम रही, वरना इसकी तो जान चली जाती। जी हाँ, ये उसी की करतूत है कि आज मेरे जिगरी दोस्त का बेटा इस हालत में पड़ा है, और मैं भी बस हूँ। सिर्फ लिहाज है तो आपका, अगर वो आपका भाई न होता तो। सेठ जी, सक्सेना साहब समझाइए उसे,
वरना एक दिन वो आवारा बदमाश बनकर गलियों में आपकी नाक कटवाता फिरेगा और आपको उसे अपना भाई कहते हुए शर्म आएगी। अरे मर गए, अरे मर गए। कौन? हम दोनों मर गए। मेरे बाप का तार आया है, मेरी पोल खुल गई। वापसी किराए के लिए मनी ऑर्डर भी नहीं आएगा। तो कहा है कि पैदल ही वापस आ जाओ, यही तुम्हारी सजा है। बड़ी स्कीमें बनाता था, फेल होने वाली भी फेल होगी, विमी से मिलने वाली भी फेल होगी। अब पता नहीं बॉम्बे में क्या होगा। अरे बुजुर्गों ने कहा है, गलत स्कीम बनाने वाले से बड़ा बेवकूफ वो होता है जो उस पर अमल करे। राइट, अंडरस्टैंड? या भाभी मैं आ गया। भाभी चला जाऊं? भाभी गुस्से हो गया। ओहो, आज तुम भी भैया के जैसे मुंह फुलाए हुए हो। क्या बात है भाभी? खबरदार जो मुझे भाभी कहा तो। क्यों, भैया ने दूसरी शादी कर ली क्या? बकवास बंद कर, मेरे लाड़ प्यार ने तुझे बिगाड़ा है ना, आज मैं ही तुझे सबक सिखाती हूँ। बोल क्यों बाहर नहीं आता, क्यों शरारत की प्रेम के साथ? भाभी काल तो छोड़ो ना आएगी। क्यों आया यहाँ? ओ भैया जवाब दे, और कौन से कलंक बाकी है जो तू लगाने आया है मुझ पर? भैया मर गए तेरे भैया और भाभी, जिनके प्यार की शह पाकर आज तूने सेठ जी का हाथ मुझे जलील करवाया। भैया आपने गलत सुना है, प्रेम अपनी बेवकूफी से जख्मी हुआ, वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है तू सच्चा है, जो फेल होकर भी शर्मिंदा नहीं, जो आवारा और बदमाश बनकर विमला देवी को बाजारी लड़कों की तरह छेड़ता है। ये गलत है। खामोश, आज से तेरा मेरा कोई बात नहीं। आप क्या कह रहे हैं? रहने दो भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने भाई पर बोझ हूँ। हाँ हाँ तू बोझ है, बोझ। घबराइए मत भैया, मैं बोझ नहीं बनूंगा, कुछ बनकर इस घर में कभी। खबरदार जो इसे रोकने की कोशिश। रोक लीजिए। मैंने जो कुछ किया ठीक ही। मुझे क्या मालूम था तो जरा जरा से बात में अपना दिल छोटा कर लेगा। रहने दो सावित्री, मेरा चंदन हीरो की मौत मार गया। मैं तो खामोखा इसे डांटता था, मेरा बच्चा था, मेरा खून था, ये 50 दवाई फेल हो जाता तो मुझे किसी बात का गम ना था। गम तो इस बात का है कि अगर एक दिन और ठहर गया होता तो तुमने करवा चौथ के लिए मिठाइयां बनाई हैं, ये बूंदी के लड्डू, गुलाब जामुन, मखाने की, बेचारा खा के जाता। लेकिन अफसोस है कभी नहीं खाएगा, कभी नहीं। खाऊंगा, अवश्य खाऊंगा, बूंदी के लड्डू भी खाऊंगा, बेसन के लड्डू भी खाऊंगा। आओ लड्डू खिलाऊं। है लड्डू? हाँ खाए। ए, उठो। भाभी एक कप चाय पिलाओ। भाभी तेरे बाप का होटल खुला है, चलो। ए, हमें भाभी बोलता है? ए, नहीं कांस्टेबल साहब, आप भाभी कैसे बन सकते हैं? है? हीरो बनने के लिए आया? नहीं। झूठ बोलता है, बहुत सा छोकरा लोग आता है दिल्ली से हीरो बनने के लिए। चल उठ, अबे चल उठ। क्या कट गए? नहीं कुछ था ही नहीं। तो फिर क्या ढूंढता था, किधर से आ रहे? बेकार में। कितना पड़ा? बीए फेल। तो फिर मेरे साथ हाथ गाड़ी खींचना। हाथ गाड़ी पियेंगा? नहीं शुक्रिया, थैंक यू। अरे जब भूख लगता तो कुर्सी खिसक जाता है। सुन मेरे साथ चाय पी, पाव खा और हाथ गाड़ी खींच, चल। कड़क इस तरह यारे, कड़क इस तरी, ठीक है ना? हाँ
मासूस। तुम 12 पैसे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? 12 नए पैसे। इवनिंग न्यूज बुलेटिन तेलाद। आखिर ये सब क्या है? अमीरों की मेहरबानियों का नतीजा। क्या मतलब? मैं अमीरों की बराबरी करने चला था, औंधे मुंह अपनी असलियत पे गिरा हूं। अब अगर यहां भी आपकी मेहरबानी रंग लाए तो मैं भीख मांगने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे घर से तो निकलवा दिया, अब इस दुनिया से निकलवा देना बाकी है। घर से निकलवा दिया? किसने? आप और आपकी लाडली बेटी ने। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मेरे बाप जैसे भाई और मां जैसी भाभी से मुझे अलग कर दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? मेरे जरा से गुस्से होने की वजह से उसे घर से निकाल दिया, इतने बड़े शहर में भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, उसे गहरे पानी में ढकेल दिया कि डूब जाए। नहीं सेठ जी, पानी में इसलिए ढकेल दिया ताकि वो तैरना सीख जाए। किनारे पर खड़े रहकर तैरना नहीं आता, उसे सुधारना मेरा फर्ज है। सुधारने के और तरीके भी होते हैं। ज्यादा सख्ती बगावत करवाती है, जवानी का जोश उसे बुरे रास्ते पर भी ले जा सकता है। जाओ उसे वापस ले आओ। पीटर साहब, गाड़ी खराब है, बहुत परेशान करती है। तो मुझे परेशान मत कीजिए, आप अपने गैराज में तशरीफ ले जाइए। वहाँ जाना मुश्किल है, मैं यहाँ से इसी गैरेज की कस्टमर हूँ। वाह, खूब सिचुएशन बनाई है आपने, बिल्कुल फिल्मी। हीरोइन हीरो से मिलने का बहाना करके अपनी गाड़ी खराब कर देती है और हीरो से देखकर मुस्कुरा देता है, मान जाता है और फिर हीरोइन को गाना सुनाकर उसके घर भी छोड़ आता है। लेकिन वो हीरो मैं नहीं, वो हीरो तो अमीर होगा, लंदन से आएगा। अब तक नाराज हो गया, इस नाराजगी को दूर करने का कोई तो तरीका होगा। है। क्या? आप तशरीफ ले जाइए। तिलक, ये रही मेरी किताबें। थैंक यू। और ये रहा खाना। खाना? हाँ, तेरी भाभी ने तेरे लिए भेजा है। भाभी? औरत है ना, मुझसे कहा चुप कर दिया ना, तिलक के भैया को पता ना चले। भाभी कैसी है? बस बेचारी रोती रहती है, समझ में नहीं आता ये औरतें इतने आंसू कहां स्टोर करती हैं, जब बात बात पर टप टप बहने शुरू हो जाते। घबराओ नहीं, जब मैं पास हो जाऊंगा ना तो ये सुनकर भाभी के सारे आंसू हंसी के फव्वारों में बदल जाएंगे। चाप, चाप, उठ, 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 मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। यहाँ मेरी खुशी में शरीक होने वाला कौन है? मैं जो हूँ। कांग्रेचुलेशंस तिलक। थैंक यू। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, भैया और भाभी की याद आ रही है ना, इतनी बड़ी खुशी और बांटने वाला कोई नहीं, मुझसे कह दो ना, अपनों से दूर रहकर दिल का बोझ हल्का नहीं होता। क्या तुम मुझे अब तक अपना नहीं समझते? बस करो विन्नी, मैं किसी को अपना कहने के काबिल नहीं। अब भी, जबकि तुम्हारे अपनों को तुम पे नाज है, डैडी तुम्हारे बारे में परेशान है, प्रिंसिपल साहब को फोन करके तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता किया उन्होंने। तिलक, हम सबको तुमसे प्यार है,
मेरी एक शिकायत से तुम नाराज हो, लेकिन ये तो सोचो मेरी उस गलती से तुम्हें कितना फायदा हुआ। मुझे माफ कर दे लगा, मुझे तुम्हारी आदतों से नफरत थी, तुमसे नहीं, सच तुमसे नहीं। अरे आओ भाई आओ, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल कर तुम पे बहुत बड़ा एहसान किया, हालांकि उस तरीके से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो तो चंदन ने मुझे बताया कि गलती इन दोनों में से किसी की नहीं थी। लेकिन अंकल ये दोनों ही थे जिन्होंने मुझे जोश दिलाया। लेकिन तुम कैसे जोश में आ गए? तिलक बेटा मेरी एक बात मानो जी, मेरी ख्वाहिश है पुराने रिश्तों की जो मैंने माला पिरोई है उसमें एक मोती और लगा दिया जाए। जी मैं समझा नहीं। तुम्हारा भाई तो सारी स्टेट का काम संभालता है, अगर तुम मेरा हाथ बटाओ तो कितना अच्छा हो। मेरा मतलब मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनकर, इधर उधर की देखभाल मैं तुम्हारे जिम्मे सौंप दूंगा। इस बुढ़ापे में मुझसे भागा नहीं जाता। आप मुझे इस काबिल समझते हैं? ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से घर जाओ और भाई और भाभी के पहुंचो, जाओ जल्दी जाओ जाओ जी। लेकिन अंकल ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, आप इसे क्यों रख रहे हैं? खैर नहीं था। सुनो बेटे, थोड़े बहुत हम सब खतरनाक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना तुमने तिलक को सेठ जी ने अच्छी नौकरी पर लगा लिया है? हाँ मैं जानती थी मेरा तिलक एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन तुमने उसे घर से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। काश तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल होता तो जानते। निर्मला औरत खुशकिस्मत है कि रो के दिल हल्का कर लेती है, मगर मर्द कमबख्त शर्म के मारे रो भी तो नहीं सकता। तुम्हें क्या मालूम तिलक को घर से निकालकर मुझ पर क्या बीती। आज अगर वो यहां होता तो मैं उसे सीने से लगाकर कहता तू मुझे माफ कर दे तिलक। भैया तिलक तिलक मुबारक हो तिलक, आज मुझे वाकई तुम पर नाज है। मैंने जो कुछ कहा तू उसके लिए मुझे माफ कर दे तिलक। भैया अगर आप वो सब ना कहते तो आज ये दिन कैसे आता। तिलक नमस्ते सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ तिलक, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूं तो मैं और मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा ताकि आप खुश हो जाएं। और अगर मैं कहूं खुश हूं? आपको और खुश करने के लिए मेहनत करूंगा। मालूम होता तो मुझे नाकारा कर दोगे। क्यों सेठ जी? सेक्रेटरी से पूछा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हो गया। इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये हो गया वो हो गया, मेरे दफ्तर आने से पहले सब कुछ हो गया। पूछा किसने किया? जवाब मिला तिलक सक्सेना ने। अरे भाई क्यों इस बूढ़े का दफ्तर में आना बंद करा रहे हो? सब कुछ तुम ही करोगे, कुछ मेरे लिए भी छोड़ोगे? सेठ जी आपने जिंदगी भर काम किया है, मुझे अभी जिंदगी शुरू करनी है। इन चेकों पे साइन कर दीजिए। ओह हेलो बेमी। अरे नहीं, क्या कर रही हो? मेरी नौकरी चली जाएगी? चली जाए, मुझसे बात करने का वक्त तो मिलेगा। जब वक्त मिलता था तो तुम थप्पड़ से जवाब देती थी, अब वक्त नहीं है तो चलो मेरे साथ।
लेकिन कहाँ? चलो ना। अरे मगर मेरे काम जहां मैं ले चलूं। आपको प्यार हुआ प्यार खुदा की कुदरत, आपने कर लिया इकरार खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत। आपको प्यार हुआ प्यार खुदा की कुदरत। दूर रहते थे वो मेरे पास आए हैं, लिपटते हैं वो दामन से नजर में प्यार लाए हैं, नजर में प्यार लाए हैं, नजर में प्यार लाए हैं। आज कुछ और है आसार खुदा की कुदरत, बना गुलजार एक शोला असर है मेरी उल्फत का, झुकी पत्थर की एक मूरत करिश्मा है ये किस्मत का, करिश्मा है ये किस्मत का, करिश्मा है ये किस्मत का। आए मरने लगे सरकार खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत। आपको प्यार हुआ प्यार खुदा की कुदरत। खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत। आपको खुदा की कुदरत, आपने कर लिया इकरार खुदा की कुदरत। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र? तुम मेरी उम्र के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि 18 साल की कम लड़की को भागा कर ले जाना बहुत बड़ा जुर्म है। क्या तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो? क्यों? क्योंकि पूना जाते वक्त जब मैं सेठ जी से हमारी शादी की बात करूंगा तो मुझे मालूम है वो इनकार कर देंगे, इसलिए मुझे तुम्हें भगा कर ही ले जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात का वचन दो बिन्नी, अगर मुझे 3-4 महीने कैद हुई तो तुम मेरा इंतजार करोगे सुहागरात के लिए? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इतना इंतजार नहीं कर सकती। तो फिर ऐसा करो तुम मुझे भगा कर ले जाओ। क्या? मैंने वकील साहब से बात की है, अगर लड़की लड़के को भगा कर ले जाए तो उसे कोई सजा नहीं मिलती।
जानते हो हमारा बिजनेस पिछले साल से इस साल 20% बढ़ गया। अच्छा? सिर्फ अच्छा? अरे भाई बहुत अच्छा। अगले साल पूना फैक्ट्री में एक नया प्लांट लग जाएगा। जानते हो ये सब तुम्हारी मेहनत की करामात है। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया? आज तुम्हारे गले से कोमल सुर क्यों निकल रहा? कुछ और है दिल में? जी। फिर सिर्फ जी कह भी डालो मगर अच्छा, शुक्रिया और जी में नहीं। जी बात यह है, यानी कि मेरा ख्याल है अगर ये बात भैया खुद आपसे करें तो अच्छा है, कहीं छोटे मुंह से बड़ी बात ना निकल जाए। अरे कहावते छोड़ो, ये मोटे पेट वाला दौलतमंद राम नारायण भी पैदाइशी अमीर नहीं, 35 रुपए का क्लर्क था, इसीलिए उसकी शादी उस लड़की से ना हो सकी जिससे वो प्यार करता था। ये तो बहुत बड़ा गहरा सदमा पहुंचा होगा आपको। सदमा किस बात का? जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान जिससे प्यार करे उसे हासिल भी कर ले, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक के साथ ऐसा हो। मेरा मामला भी कुछ आप जैसा ही है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। कौन है वो लड़की? डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट। कम सिस्टर। तिलक वचन, मैं जो तुमसे कहूंगा वो राज रहेगा और ये राज किसी पर जाहिर न हो, यहां तक कि विम्मी पर भी। क्या बात है सेठ जी? वचन दो। जी। वो राज है मेरी गुजरी हुई जिंदगी का, मेरे कमरे की तिजोरी में एक डायरी है, उससे तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस तिजोरी की चाबी तुम हमेशा अपने पास रखना। आप इतना रखिए सेठ जी। नहीं, मुझे वचन दो, जो मैं कहने जा रहा हूं जो मैं कर ना पाऊंगा। आप ठीक हो जाएंगे सेठ जी, विम्मी अभी आती होंगी। नहीं, विम्मी की शादी आप उसकी फिक्र ना कीजिए। मुझे वचन दो कि विम्मी की शादी तुम मेरी मर्जी के मुताबिक। मैं वचन देता हूं सेठ जी कि विम्मी की शादी आपकी मर्जी के मुताबिक प्रेम से कर दूंगा। बिरादरी के बाहर मेरी शादी करते कर्ज के नीचे दब जाएंगे। सुना है लड़के वाले एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर पिताजी के कारोबार को फिर से चला देंगे। और इसकी शर्त है शादी। हाँ बोलो राम, मैं क्या करूँ?
रज्जी चाहता है मैं अपनी जान दे दूं। अपनी जान देना तो आसान है, पर तुम अपने साथ साथ उस बेगुनाह की जान भी ले रही हो जो अब तक इस दुनिया में नहीं आया। अच्छा है ना, बिन ब्याह की संतान को समाज जीने नहीं देगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे तुमसे बिछड़ कर जीने का एक ही सहारा है, और वो है मेरा बच्चा, उसे मुझे दे दो। वो कैसे? अपने पिताजी से कोई बहाना करके साल भर के लिए शिमला चली जाओ, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। वहां मेरे एक दोस्त डॉक्टर कृपाल है, उनका अपना नर्सिंग होम है, वो इसे राज रखेंगे और हमारे जज्बात की ये सांझी यादगार गुनाह बनने से बच जाएगी। मुबारक हो राम लक्ष्मी लड़की। हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ कृपाल। क्यों? बिना ब्याह की औलाद वो भी लड़की, कौन अपनाएगा उससे? जिसे समाज की परवाह नहीं होगी। मजाक मत करो। बस इतना ही भरोसा अपनी दोस्ती पर? अरे पगले, जब तक तेरा ये दोस्त जिंदा है तुझे और तेरी बेटी को किसी बात की चिंता नहीं। ला हाथ मिला, अबे हाथ मिला। मैंने आज से तेरी बेटी को अपने बेटे प्रेम के लिए पसंद कर लिया। जब जी में आए उससे पूछकर शादी कर देना। जा अंदर जाके देख, देख कितनी सुंदर कन्या है, देख। रामनारायण स्टेट में मेजर शेयर मेरे हैं, इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी ये सारी जायदाद मेरी बेटी कुमारी विमला रामनारायण को दे दी जाए, और उसकी शादी के बाद ये सारी जायदाद उसके पति और खुद विमला देवी ने आदि आदि बांट दी जाए। मैं अपनी बेटी के लिए अपने दोस्त डॉक्टर कृपाल नाथ के बेटे प्रेमनाथ को अपना दामाद कबूल करता हूँ। लेकिन वकील साहब, ये कैसे हो सकता है? वकील साहब अपने मन से थोड़े कुछ कह रहे हैं, अंकल ने जो कुछ भी वसीयतनामा में लिखवाया है वही तो पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं तो... एक्सक्यूज मी, मुझे जरूरी काम याद आ गया। तिलक सुनो तो, आज हमें रामनारायण स्टेट्स के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का चुनाव करना है। मैं सोचती हूँ इस ओहदे की जिम्मेदारी एक ईमानदार, मेहनती और अच्छे इंसान को सौंपी जाए। कंपनी के मेजर शेयर्स की मालिक होने के नाते मैं इसका फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहती हूँ। क्या मैं उस आदमी का नाम तजवीज कर सकती हूँ? मिस्टर तिलक राज सक्सेना। एक्सक्यूज मी मिस विमला देवी, मैं अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर के काबिल नहीं समझता। क्यों? सेठ जी की मौत के बाद ये कुर्सी सिर्फ आपके होने वाले पति का हक है। इसका जिक्र सेठ जी ने अपनी वसीयत में भी किया है। बेहतर होगा कि आप मिस्टर प्रेम से उनका हक ना छीने। मगर मिस्टर प्रेम इस काम से वाकिफ नहीं है, और जहां तक हक का सवाल है, हो सकता है इस मामले में मैं डैडी की बात ना मानूं। मिस विमला, आपको और कुछ कहना है मिस्टर तिलक? जी, मैं आपके फैसले को मानने से इनकार करता हूँ। मेरे ख्याल में आज की मीटिंग किसी और दिन पर पोस्टपोन कर दी जाए। रिम्स, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम इसकी तरफदारी करोगी और ये हमेशा तुम्हें धोखा देगा। रिम, सोच लो, तिलक को सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए, तुम नहीं। शादी की जंजीरों में बांध कर अगर तुम इसे दौलत का लालच दोगी तो वो जंजीरें भी तोड़ देगा। शाबाश तिलक, ये इम्तिहान का वक्त है। जानते हो आज मैं कितना खुश हूं? मेरे भाई को दुनिया की हर नेमत दी जा रही है, मगर वो अपने फर्ज पर अटल है। मैं जानता हूं तिलक, वो तुमसे और तुम उससे कितना प्यार करते हो, मगर तुम्हारा विमला देवी का कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि
कि तुम जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह शादी कर लो ताकि तुम कभी भी अपने आप को दिल के हाथों मजबूर ना पाओ और अपने फर्ज को खूबी से निभाते रहो। हेलो चिल्ड्रन। हेलो डैड। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? तुम तो आधी भी नहीं रही पहले से। मैं जानता था कि मैं अपनी बेटी का ये उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकूंगा। हे भगवान, अगर राम की जगह मैं मर गया होता तो कितना अच्छा होता। बेटी रो नहीं मेरी बेटी, अब तो तू ही उसकी एक निशानी रह गई है जिसे देखकर हम सबको जिंदा रहना। बेटी तू घबरा नहीं, अब मैं आ गया, मैं देखूंगा मेरी बेटी की सब खुशियां। हर बात उलट, हर काम गलत, कब तक मैं तुम्हारी बेवकूफियों पर पर्दा डालता रहूंगा? तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से विम्मी ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। आपको कैसे मालूम डैडी? मुझे सावित्री बहन ने सब कुछ लिख दिया था, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। तिलक कौन? उसी का तो सारा किया धरा है डैडी। अंकल के मैनेजर का छोटा भाई है, बातों ही बातों में अंकल के मुंह चढ़ गया। बस उसी के बदले में विम्मी और उसकी तमाम जायदाद को हड़प करना चाहता है। तो उसे अड़चन क्या है? जरूर कोई और बात होगी। सुना है विम्मी भी उसे चाहती है। लेकिन डैडी वो विम्मी के साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन तुमसे ज्यादा अकलमंद और खुशकिस्मत जरूर है। सुनो, जब शोर और जर से काम न चले ऊपरी हमदर्दी और नरमी से काम लेना चाहिए। मम्मी पर ये बिल्कुल जाहिर ना होने दो कि तुम क्या चाहते हो। उसको ये चिताओ कि तुम उन दोनों के दोस्त हो, समझे? What a good idea. Splendid! Splendid! Shut up! I'm back. I'm sorry, Dad. इस तिलक को जल्द से जल्द मुझसे मिलाओ ताकि मैं भांप लूं ये शय क्या है। Hi, Mimi. Oh, Rekha. तुम? How are you? Fine, thank you. अरे बरसों के बाद मिल रही हो, ये तो बताओ तुम्हारे रोमियो कैसे हैं? अब तो वे एक जिम्मेदार आदमी बन गया है। अच्छा? सारा दिन काम ही काम। अरे यहाँ नहीं बुलाया उन्हें? बस उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। फोन किया तो कहता है काम खत्म करके आता हूँ। ओहो, बड़ा गुस्सा आ रहा उसके नानी का। अरे हथकड़ी डालकर शादी कर लो ना। हेलो तिलक भाई, बहुत बड़े शिकारी। बोलो, ये सारे कारोबार को संभालने के लिए क्या तनख्वाह लोगे? जी भाई, ये फाइलें अपने बस की बात नहीं। और फिर इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बन जाने के बाद क्या मैं युवक बर्बाद करूंगा? तुम आदमी काम के हो, सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूं। शुक्रिया, मैं बिना तनख्वाह के भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ऊपर की आमदनी से? तिलक, सियासत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और उसका पहला असूल यह है कि दुश्मन को मारने का तरीका सबसे अच्छा वही होता है जब उसका दिल जीत लिया जाता है। दिल सियासत से नहीं, शराफत से जीते जाते हैं। अगर सियासत मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट होता तो शायद आज मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा हूं। देखो तिलक, मैं यहां तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया बल्कि सुलह करने के लिए आया। अपनी कीमत बताओ और मेरे और विमी के रास्ते से अलग हो जाओ। इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? यकीन जानो प्रेम, मैं सेठ जी की ख्वाहिश को अपना धर्म समझता हूँ। मैं चाहता हूँ विम्मी के साथ तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। What? कहीं तुम? नहीं नहीं प्रेम, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं तो जाओ, स्विमिंग पूल में विम्मी मेरे आने का इंतजार कर रही है। मैं अब उससे मिलना नहीं चाहता तो इसलिए मेरे बदले तुम चले जाओ और मेरे बारे में जो जी मैं कह देना और कोशिश करना कि विम्मी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश ना करे। अगर ये सच ना हुआ तो? और अगर ये सच हुआ तो मैं तुम पर हमेशा यकीन करूंगा। गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सब
प्यार लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार। दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार। ठंडे मौसम में आग ये कैसी लगी, कैसे मोड़ पे आ गई जिंदगी। बिन पिए आज ये क्या हमको हो गया, प्यार का हर तरफ खाने लगा है नशा, मार डाला खाने लगा है नशा, खाने लगा है नशा। लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार। हाँ हाँ कर तो लिया स्वीकार मेरे यार, मेरे यार, कर तो लिया स्वीकार मेरे यार, मेरे यार। बाहों में रेशमी जुल्फ की प्यारी प्यारी छांव में, तुम भी कोई आने न पाएगा जहां, प्यार की बस्तियां हम बसाएंगे वहां, हम बसाएंगे वहां, हम बसाएंगे वहां। मेरे यार, मेरे यार, हो तो गया सितार, मेरे यार, मेरे यार। हाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा दिल बहलाने। तिलक दफ्तर की फाइलों से दिल बहलाता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारा दिल बहलाने के लिए भेज दिया है। तिलक दिल? जी हाँ, उसे दौलत के हिसाब किताब में तुमसे ज्यादा दिलचस्पी है। दिमाग चल गया शायद तुम्हारा। दिमाग तो उसका जल गया, तुम्हें भटकने से रोकना मेरा फर्ज है। तिलक तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से मोहब्बत। खामोश। आ गया तू? तुम कहाँ रह गया था? मुझे याद नहीं, आज 6 बजे लाला जी के घर जाना था। लाला जी? लाला जी के यहाँ क्यों? लड़की देखने। चल जल्दी से तैयार हो जाए। चल। हाँ भी, तुम भी बहुत भोली हो, आज मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं। अरे विम्बी, तू धन भाग हमारे जो तू इस घर में आई। इस घर में आई भी तो उस वक्त जबकि घर वाले बाहर जा रहे हैं। बाहर? चलिए भाभी, आज लाला जी की लड़की को देख ही आए। अरे विम्बी यहाँ आई है, जरा इसकी खातिर तो कर लो। इनकी खातिर ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। भाभी जल्दी कीजिए, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, मैं भी चाय लेकर आती हूँ, तब तक तू कपड़े बदल ले।
शायद मैं गलत वक्त पर आई। नहीं, आपसे क्या चोरी? भाभी ने एक जगह मेरी शादी पक्की करने की सोची, इसीलिए आपको वहां आने की फुर्सत न मिली। अब आप ही फैसला कीजिए, ये काम ज्यादा जरूरी है ना? जी, ये काम ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मेरी माँ होती तो मैं फूट फूट कर उनके गोद में सर रख देती और कहती मुझसे कितना बड़ा अन्याय हुआ है। तो मुझसे कहते बेटी, मैं तेरी माँ ही तो हूँ, क्या तुम मुझे अपनी माँ समझकर तिल हल्का नहीं कर सकती? आंटी, डैडी ने प्रेम के साथ रिश्ता तय करके मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। काश मैं डैडी को बता सकती कि मैं तिलक को कितना चाहती हूँ। तिलक? हाँ, लेकिन अब वो भी पराया होने जा रहा है। तुम्हारे डैडी ने ठीक ही किया है बेटी, तिलक का तुम्हारा कोई मेल। आंटी, हालात को अपनाना सीखो बेटी। जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान जिससे प्यार करे उसे हासिल भी कर ले। लेकिन मैं उनमें से नहीं, अगर शादी करूंगी तो तिलक से, वरना किसी से भी नहीं। ये सच है भैया कि तिलक विम्मी से प्यार करता है। आज मैंने उसके दिल में दबे हुए तूफान को पहचाना है। तिलक से काफी हमदर्दी हो गई है शायद। हमदर्दी नहीं, मौका हाथ आ गया कि मैं अपने पापों के प्रायश्चित करूं। गलती मेरी, कमजोरी मेरी थी जब मैं समाज से लड़ न सकी और अपनी भलाई के लिए राम विम्मी दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। मैं मां होकर भी अपनी बेटी को मां का प्यार न दे सकी। काश समाज का भी दिल होता या मुझ में शक्ति होती तो आज ये दिल ना था। भैया, भैया, आज एक लाचार मां तुमसे रहम की भीख मांगती है। मेरी झोली विम्मी के खुशियों से भर दो भैया, तोड़ दो उन दीवारों को जिनमें दो सच्चे प्रेमी चुने जा रहे हैं। भैया, भैया, मेरी जान ले लो, मुझे बदनाम कर दो, लेकिन मेरे बेटे को इस बंधन से मुक्त कर दो। भैया, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं। और उस वचन को जिसने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया, भूल जाओ। भैया, जो वचन कल एक कुंवारी लड़की की लाश था, आज एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी मांगता है। मैं माँ हूँ भैया, ममता कुर्बानी देती है, मांगती नहीं। जिस तरह तुम अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने दिए हुए वचन को तोड़ने पर आमादा हो, उसी तरह मैं भी अपने बेटे की खुशियों के लिए उसे निभाने का फैसला कर चुका हूं। तुम जा सकती हो। देखा, अब तुम्हारी और मेरी मोहब्बत क्लाइमेक्स पर आ गई, इसका दी एंड लगा ही दो। लो, लगा दिया दी एंड। रेखा, अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्यों? इसलिए कि मैं अपने पिताजी की मर्जी से ही शादी करूंगी। और अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी किसी और उल्लू के पट्टे से करवा दी तो वो मेरे नसीब, तुम क्यों फिक्रमंद होते हो? अरे सच्चे आशिक की हाय न ले नादान, नहीं तो पछताएगी। मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं। कौन है? वेलकम तिलक सक्सेना, बैठो, मैं जरा शिफ्ट करके आता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई बात यह है, आशिकों का भी कोई ठिकाना होता है, आज यहाँ कल वहाँ, आज इस कमरे में कल बाथरूम में। जरा मेरे लिए नाश्ता लगवाना, मैं कहता हूँ तो तुम्हारा नौकर मुझे आंखें दिखाता है। लेकिन ये सब क्या है? मेरे मूछों वाले डैडी की कृपा से ये आशिक घर से बाहर निकाला गया। वजह? वजह रेखा की आया से प्यार, वो मेरी अनारकली है, मैं उसका सलीम हूँ, और मेरा बाप अकबर। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार। चलो मैं तुम्हें अंकल के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत आराम है। लेकिन मुझे नहीं। क्यों बच्चों, अब हम बोझा बन गए?
क्योंकि तू बड़ा आदमी बन गया इसलिए? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी और अंकल की सुलह करा दूंगा और इसी बहाने तुम्हारी मम्मी से भी मिल लूंगा। ओके ओके, वैसे भी आज मेरे डैडी का पेंशन डे है, करेले बने होंगे, इट इज वेरी गुड फॉर प्लान। चलता हूं मैं। शेयर करो। सॉरी सॉरी। मैं कम इन? भला आपको पूछने की क्या जरूरत है, तशरीफ लाइए। ठीक है ठीक है, मैं एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं। फरमाइए। मरहूम राम नारायण की ख्वाहिश तो तुम जानते हो ना? जी, वकील साहब ने वसीयत पढ़ी थी। जिसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ? जी, राम नारायण ने तुम्हें सड़क पर से उठाकर इस हैसियत तक पहुंचाया, लेकिन उसे मालूम ना था कि वो एक मतलबी और मौका शनास आदमी पर भरोसा करे। डॉक्टर साहब, मैं समझता था आप तजुर्बेकार आदमी हैं, इंसान की परख करने में धोखा ना खाएंगे, लेकिन अफसोस आप अपने बेटे से ज्यादा अकलमंद ना निकले। तिलक, आप समझते हैं मैं विम्मी से शादी करके उसकी सारी जायदाद का मालिक बनना चाहता हूं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं उससे दूर रहने की कितनी कोशिश कर रहा हूं। कौन जानता है कि यह कोशिश सच्ची है या झूठी, वरना तुम्हारी और विम्मी की मोहब्बत किसी अंजाम तक पहुंच चुकी होती। तुम विम्मी से दूर नहीं रह सकते। रह सकता हूं। कैसे? मैं जानता हूं तुमने वो कहावत तो सुन रखी होगी, नजर से दूर दिल से दूर। अगर अपने सेठ की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हो तो यहां की बजाय पूना का काम संभाल लो। मैं विम्मी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि तुम कहां हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई मानो तो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तो तुम्हारी। मुझे कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है तेरे बेटे, मगर क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। तिलक, ये तुमने अचानक जाने की कैसे सोच ली? प्यार का मामला होता ही ऐसा है डैडी। भला तिलक मेरी और विम्मी की शादी कैसे देख सकता है? मगर इसका यूं यहां से चले जाना भी ठीक नहीं। विम्मी बेटे, तुम ही कुछ समझाओ ना इसे। जिसने जाना ही है वो क्या मेरे रोकने से रुक जाएगा? आप ठीक ही कहती हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे रोकना किसी के बस में नहीं। तो फिर लाओ ये चाबियां, सेठ जी की तिजोरी की चाबी इसी में है ना? जी जी हाँ, माफ कीजिएगा, ये चाबियां मैं फिर लौटा दूंगा, तिजोरी में मेरी एक खास चीज रह गई है। खास चीज? कौन सी चीज? प्राइवेट है। थैंक यू। मालूम होता है ये आसानी से जाने वाला नहीं। अब तो ये और भी आसानी से जाएगा, मुझे यकीन है ये खास चीज वही है। क्या? मैं सक्सेना को बुलाता हूं और तुम। मुझे मालूम हुआ कि वो प्राइवेट चीज क्या थी। तो तुम इस खानदान की इज्जत के रखवाले बनना चाहते हो? मगर याद रखो तिलक, मैं तुम्हें इतनी जल्दी और इतनी आसानी से एक अच्छा आदमी बनने नहीं दूंगा। लाओ जी डायरी। इस डायरी के चले जाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा प्रेम, लेकिन ये डायरी मेरे लिए। डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये डायरी तुम्हारे पास मरहूम सेठ जी की अमानत है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि यह राज किसी के हाथ ना लगे। ये तुम्हारे अकलमंद होने की नहीं, बेवकूफ होने की निशानी है। इतने बड़े राज की तुम कोई कीमत वसूल ना कर सके, लेकिन मैं करूंगा। ये डायरी मेरे हवाले कर दो, वरना। वरना क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले करना पड़े। पुलिस के हवाले? लेकिन मैं चोरी करने नहीं आया। जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं, लेकिन क्या ये तुम सब कुछ लोगों के सामने बता सकोगे?
अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा राज लोगों के सामने खोल दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राज छुपाने के लिए तुम्हें अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लेना पड़ेगा और अच्छी तरह से बेइज्जत होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। शराफत इसी में है कि ये डायरी मुझे दे। जलील कमीने, मुझे यहाँ से चले जाने दो। क्या हो रहा है इस सब? खुद ही देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। जाने से पहले तो चोरी में हाथ साफ कर रहा था, मैंने हाथ में ओके आगे पकड़ लिया। नोट बिखरे पड़े हैं तो चोरी। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। फिर क्या करने आए थे? बोलो ना, फिर क्या करने आए थे? अब क्या बोलेगा? चोर, उचक्के, बदमाश। मैं ही बेवकूफ था जो समझ बैठा था कि सुधर गया है, मगर तू वैसा कि वैसा ही रह गया। आवारा बदकार। भैया जी, मर गया मेरा भैया। कृपाल साहब, बुलवाइए पुलिस को और इसे गिरफ्तार करवा दीजिए, ताकि मैं समझू ये लानत मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई है। काश ये नीच मेरा भाई ना होता। मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। मगर तुम वहां क्या करने गए थे? डायरी लेने गया था। अजीब पागल आदमी हो, एक छोटी सी डायरी के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अरे भाई, डायरी लेनी थी, चोर बाजार से खरीद लेते। ये वो डायरी नहीं है। इस डायरी में किसी की इज्जत है, किसी मासूम की जिंदगी है। वैसी तो ठीक है, चल के उसे हासिल कर लेते। कैसे? कहां जाओ? विम्मी बेटे, कल तुम्हारी और प्रेम की मंगनी की पार्टी है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी खूब हंसे, खेले और खुश हो, ताकि मेरे दोस्त राम नारायण की आत्मा को शांति पहुंचे। ये जायदाद के कागजात पढ़ लो, कल मंगनी के बाद तुम्हें इन पर दस्तखत करने हैं। मैं आता हूं। तिलक अंदर तो नहीं है? अरे शायद कोई आ रहा है, जल्दी से छिप जाओ। क्या बात है, इतने घबराए हो क्यों? सुजान का टेलीग्राम है, कल के प्लेन से वो हिंदुस्तान आ रही है। लेकिन उसे यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? पता कर लिया होगा, बड़ी चालाक औरत है। लेकिन अगर वो यहाँ पहुँच गई तो हम जायदाद के हिस्सेदार होने की बजाय जेल की कोठरी के हिस्सेदार बन जाएंगे, और वो सबको बता देगी कि वो मेरी बीवी है और मैं दरअसल प्रेम नहीं। आस्ता बोल। लेकिन अब क्या करना होगा डॉक्टर? सिर्फ एक ही रास्ता है, सुजान को यहां पहुंचने से पहले जूलियन के हाथों खत्म करवा दिया। माल्टर? यस। यानी कि जेल से बची तो फांसी? शट अप। लेकिन जूलियन सुजान को पहचाने? सुजान की फोटो तो तुम्हारे पास होगी।
असली प्रेम नहीं है तो फिर असली प्रेम है कहाँ? वो तो 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था। हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम प्राण है, प्राण खन्ना। ये देखो पासपोर्ट। ये सब उस बिल्ली आंख वाले डॉक्टर कृपाल का प्लान है। एक नंबर क्रुक है वो। तो डॉक्टर कृपाल ने अपने दोस्त की जायदाद हड़प करने के लिए प्राण खन्ना को प्रेम बनाकर भेजा और मेरे हस्बैंड को 5,000 पाउंड और लंदन में एक मकान देने का वादा। और अब मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करने वाला है। चीट, रास्कल। बिना शादी के जायदाद नहीं मिल सकती। मैं प्राण और डॉक्टर कृपाल दोनों को जेल में देखना चाहती हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर तुम हमारी मदद करो। तुमने मेरी जान बचाई है, जो कहो। तुम्हारी जिंदगी हम सबके लिए जरूरी है। आज शाम को मंगनी है, बोलो हमारी मदद करोगी? हाँ। तुम्हें डांस आता है? थोड़ा थोड़ा। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। जो तुम चाहती थी वो हो गया ना आंटी। मुझे भगवान की सौगंध बेटी, ये मैं नहीं चाहती थी। क्या कह रही हो बहन? राम की ख्वाहिश को तुम अपनी ख्वाहिश नहीं समझती? मुझे विम्मी की ख्वाहिश का ख्याल है, इसका चेहरा बता रहा है, इससे जबरदस्ती की जा रही है। मैं ये मंगनी अभी रोक देती। जरा एक मिनट आंटी। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप जरा ये डायरी पढ़ लें जिसमें राम अंकल की ख्वाहिशें लिखी हैं। डैडी की डायरी? क्या लिखा है इसमें? पहले आंटी को पढ़ लेने दो, एंगेजमेंट के बाद तुम भी पढ़ लेना डार्लिंग। आओ विम्मी, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता आंटी, आप खुद समझदार हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आपने ये मंगनी रुकवाने की कोशिश की तो ये डायरी आपके पति सिंह साहब तक भी पहुंच सकती है। डैडी, कृपाल अंकल को समझाइए, कैबरे होने दीजिए, मेरे दोस्त ईरान से आए हैं। ईरान से आए हो या परिस्तान से, मंगनी की रस्म में मैं किसी किस्म का शोरगुल पसंद नहीं करता। कृपाल ठीक तो कह रहा है, होने तो नाच गाना, वरना विम्मी को दास देखकर लोग ये समझेंगे कि इसकी मंगनी जबरदस्ती हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानता हूं विम्मी क्यों उदास है। बुलाऊं? बुला लो। ओ तहलीना तिलकत अलगैना अलगैना अले दुदू अले दुदू बखैर। खुश नसीबा ए हबीबा, खुश नसीबा यार के दिल के गरीबा। अल्लाह अल्लाह
का सोफा दिल का नगीना, चाल में जादू मस्ती नजर में, दर्द मोहब्बत इसके जिगर में है। मरहबा ऐ हबीबा खुश नसीबा, ऐ हबीबा खुश नसीबा, यार के दिल के गरीबा। अल्लाह 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 मौला 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 हबीबा। शराबी बात शराबी, दिल के सभी दस बात शराबी, रात शराबी बात शराबी, दिल के सभी दस बात शराबी। तू भी खुशी से झूम ले प्यारे, बहके लबों को चूम ले प्यारे। है जिले सुबानी ऐ हबीबा खुश नसीबा, ऐ हबीबा खुश नसीबा, यार के दिल के दरीबा। अल्लाह 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 मौला अब तो सनम कुछ करके उठेंगे, या तेरे दर से मर के उठेंगे। हैया बखैर तुम। हाँ आपका जिगरी दोस्त, सोचा इस खुशी के मौके पर अपने दोस्त को उसकी बीवी से बढ़कर क्या तोहफा दूं। बीवी? किसकी बीवी? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। इसे गौर से देख लीजिए डॉक्टर साहब, ये अभी मरी नहीं, जिंदा है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तिलक, पैसे और रुपयों की लालच में आकर आपने अपने जिगरी दोस्त को धोखा दिया। एक शरीफ औरत की बेबसी का फायदा उठाया और उस पवित्र वचन को बदनाम किया जिसके लिए आपका दोस्त आपकी इज्जत करता था। मुझसे पूछिए कि सच्चे दिल से दिए हुए वचन क्या माने रखता है। मैंने सेठ जी को दिए हुए वचन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना घर खो दिया, अपनी इज्जत खो दी, अपना प्यार खो दिया, और आप इतना गिर गए। पाप होते हुए अपने बेटे की मौत का अफसोस करने के बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। बकवास बंद करो। चिल्लाइए मत। क्या ये झूठ है? क्या आपने सेठ जी को यह वचन दिया था कि विम्मी की शादी प्रेम से होगी? बिल्कुल। तो फिर कहां है प्रेम? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये प्रेम नहीं? नहीं, ये प्रेम नहीं, क्योंकि असली प्रेम कुछ साल पहले लंदन में कार एक्सीडेंट में मर गया था, और आपने वहां के मशहूर जेब कतरे प्राण खन्ना को प्रेम बनाकर यहां भेजा। आप खुद अपने जाल में फंस गए डॉक्टर साहब, आप ये भूल गए कि इसकी एक बीवी भी है। ये सब झूठ है। लेकिन ये पासपोर्ट तो झूठ नहीं हो सकता, जिसे तुम्हारी बीवी लेकर आई है और जिसमें तुम्हारा असली नाम और तस्वीर भी मौजूद है। जरा जरा ठहरो तिलक, जल्दबाजी से काम न लो। कहीं मेरे साथ साथ दुनिया को भी मालूम ना हो जाए कि विम्मी कौन है और उसकी मां कौन। आगे आप ही समझा दीजिए ना आंटी। क्या कह रहे हो तू? प्रेम क्या है इस डायरी में?
इस लड़की को फौरन अंदर बंद चल, चल इसको। बॉस, इस लड़की को अंदर बंद करने का माल किधर है? सुनो, तुमको माल हम देगा। माइकल, पहले इस लड़की को छोड़ दो और इस बदमाश को बंद कर दो। तुम इधर भी आ गए साला। अभी हम तुम्हारा साला नहीं, तुम हमारा साला है। क्या बकता है? हम तुम्हारा बहन से शादी बनाया। What? Yes, darling Ruby. डार्लिंग माता है। ब्रदर, ब्रदर, ये हमारा हस्बैंड है, बहुत अच्छा आदमी। माइकल, इनके चक्कर में नहीं आना, इनको भी बंद करो इसके साथ, जल्दी करो। नो बॉस, माइकल चोर है मगर सगा वाला के लिए सगा वाला है, और तुम्हारे लिए। वेरी गुड माइकल, वेरी गुड, वेरी गुड सिख सर। हम अभी पुलिस को बुला के लाता है, तुमको बिरयानी खिलाएगा। सावित्री, पागल मत बनो, मेरी आंखें बंद नहीं थी, खुली थी, मुझे सब कुछ मालूम था। तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि उस वक्त भी यही होता जो तुमने आज किया। आज एक बात मालूम है कि मेरी एक बेटी भी है रिमी। क्या? हाँ रिमी बेटी, तुम सावित्री की बेटी हो, ये तुम्हारी माँ है। माँ, बेटी।
मैं समाज के बंधनों में इतनी बंध गई थी कि अपनी बेटी से दिल खोलकर प्यार भी न कर सकी। बेटी आओ तिलक बेटे, तुम जैसा आदमी इस दुनिया में होगा मुझे यकीन न था। तिलक तुमने मुझे अपनी माँ समझकर मेरी इज्जत पर पर्दा डाल दिया और खुद बदनाम हो गए। आज मैं वो खतरनाक वचन तोड़कर तुम दोनों को एक करती हूँ। तिलक बेटे देर मत करो। बेटा का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार, लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार।